हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए आज बनाते हैं सैंडविच। तो मैं घर में कैसे सैंडविच बनाते हैं, मतलब अपना देसी स्टाइल में सैंडविच बनाना बता रही हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसके लिए ली है मैंने एक प्याज ली है, और इसको छील लेंगे और छील कर मतलब बारीक बारीक से काट लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे इसको, बिल्कुल बारीक बारीक से काटनी है ताकि हमें मतलब सैंडविच में थोड़ी थोड़ी सी पड़े, तो खाने में जब बाइट में पड़े तो थोड़ी थोड़ी महसूस हो। और एक टमाटर लेंगे, मैंने आधा ही लिया है, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ, मतलब चार ब्रेड का ही बना रही हूँ मैं, मतलब दो सैंडविच हो जाएंगे काट के तो चार हो जाएंगे वो। तो एक मिर्च ली है हरी, उसको भी बारीक काट लेंगे, और धनिया ली है थोड़ी सी, उसको भी काट लेंगे। तो सारी चॉपिंग मतलब यहाँ पे एक प्लेट में डाल लेंगे सारे कुछ जो भी हमने चॉपिंग की है। और मैंने आलू उबाल के रखे थे, तो मैंने यहाँ पे दो आलू का इस्तेमाल किया है। सुबह मतलब सुबह का जो नाश्ता है, तो मैंने नाश्ते में ही मतलब पराठे के लिए आलू उबालने थे, तो मैंने तभी उबाल के रखे हुए थे। तो फिर अब मैं सैंडविच बना रही हूँ मेरी बेटी के लिए स्कूल ले जाने के लिए। तो उसमें चलो डाल देते हैं मसाले। तो मैंने डाल दिया है नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अगर तीखा कम खाते हैं बच्चे तो आप कम डालें हरी मिर्च डाल दें, या थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, कुछ भी डाल दें, दोनों में से एक कुछ भी डाल दें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें कोई भी मतलब गुठलियाँ टाइप की नहीं बने रहनी चाहिए, सारा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए जो भी हमारे मसाले हैं। और चलिए अब लेते हैं ब्रेड। तो मैंने यहाँ पे बड़ी सी ब्रेड ली थी, जो बड़ी सी थोड़ी सी चौड़ी आती है ब्रेड, वो वाली ली थी। तो इसके हमें कॉर्नर निकालने हैं, तो इसके लिए मैंने बड़ी ब्रेड ली थी, तो इसके कॉर्नर निकाल देते हैं, क्योंकि कॉर्नर समेत बनाएंगे तो बच्चे थोड़ा सा लगता है कि उन्हें सैंडविच टाइप का नहीं लगता है। तो इसके पतले पतले से जो ब्राउन ब्राउन से हैं वो निकाल देंगे हम पार्ट, बिल्कुल हल्का हल्का ही काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना है इसको। तो इस तरह से हम अपने मतलब जितने ब्रेड यूज़ करने हैं उसके सबके कॉर्नर निकाल देंगे इस तरह से। मैंने ये दांत वाली चाकू ली थी, क्योंकि इससे कट जाता है, और जो प्लेन वाली होती है ना तो उससे नहीं कटता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, फट जाते हैं माई ब्रेड, तो दांत वाली इस्तेमाल करें। और इसको हम रख लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे चार ब्रेड ली हैं, तो चलिए लगा लेते हैं स्टफनी जो हमने बनाई हुई थी। तो ब्रेड पे इस तरह से पूरे में फैला के हल्की हल्की जितनी मोटी पतली अपने रखनी है उस हिसाब से आप फैला लें, मतलब पूरे कोने चारों कोनों में आने चाहिए अच्छे से, मतलब जब बाइट ले तो सब में हो। तो इस तरह से चारों कोनों में फैला लें बढ़िया से। और इसके ऊपर मैंने चीज़ डाला है, ये हल्का सा चीज़ घिस दिया है, तो आप इस तरह से कद्दूकस कर दें चीज़ को भी, ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा लिया है, पर खाने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। तो चलिए अब इसको हम सेक लेते हैं, मैं तवे पर ही सेकूंगी। तो और इसके ऊपर जो एक एक स्लाइस रखी है, तो उसके ऊपर एक दूसरी स्लाइस रख देंगे ब्रेड की, तो ये कवर हो जाएगा पूरी तरह से। उसको तो हल्का सा हल्के हाथों से दबा दें तो ये चिपक जाएगा। और हमने तवा लिया है, तवा हल्का सा गर्म हो गया है मेरा, मतलब ज़्यादा तवा गर्म नहीं करना है, और उसमें बटर लगाना है सेकने के लिए। जो बटर इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे जो सैंडविच है ना बड़े ही टेस्टी लगते हैं, चाहे बटर हो या घी हो, इसमें ही सीके, किसी ऑयल वगैरह में ना सेकें। और इसको हल्की आँच पर ही सेकना है, क्योंकि ज़्यादा अगर तेज़ तवा जो हमारा गर्म होगा ज़्यादा तो जल जाएंगे ब्रेड, और ये देखने में और ना ही खाने में मतलब जले जले का स्वाद आएगा। इसको हल्का सा गोल्डन करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं फिर भी। और दूसरी साइड भी हम इस तरह से हल्का सा ब्रेड सॉरी वो बटर लग घिसेंगे तवे पर, और उसको पलट के उसके मतलब रख देंगे दूसरी साइड भी, और ऐसे ही धीमी आँच पर पलट पलट के, इसको बिल्कुल हटना नहीं है, इसको घुमाते ही रहना है,
तो हल्का सा दबा के घुमाते रहें ताकि वो जले ना और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए इसके ऊपर। तो ये खाने में बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं, मेरे तो बच्चों को बहुत पसंद हैं, वो हफ्ते में 2 बार तो ले ही जाते हैं क्योंकि ये बटर से सेके होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऑयल वगैरह रिफाइंड वगैरह में ना सेके, इसको घी में, अगर बटर नहीं है तो घी में सेक सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल धीमी आंच पे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसके लिए लेकिन बन के बहुत अच्छे तैयार होंगे। ये सिक चुके हैं तो इसको निकाल लेते हैं हम, दूसरे को भी निकाल लेंगे, ये दोनों ही हो गए हैं और ये इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, मतलब अच्छे से करारे से हो गए हैं ये देखिए इस तरह से। और इसको दांत वाली ही चाकू से काटें, नाइफ से, क्योंकि उससे अच्छे से कट जाते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, बेटे को भी पसंद है। और ये अंदर से जो चीज़ था वो पूरा मेल्ट हो गया है। और ये देखिए बन के तैयार है हमारे सैंडविच, बहुत आसान है, ज़्यादा मतलब इसमें कोई काम नहीं है और इसको किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं आप। कैसा लगा है आज का ब्लॉग आपको, ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह की रेसिपी के लिए देखते रहें और इंजॉय करें। ये बहुत आसान रेसिपी है, ये कोई भी बना सकता है घर में, बच्चों के लिए, टिफ़िन के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत अच्छे हैं। चलिए मिलते हैं तो अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।